Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today's our topic is Profit and its Six Theories. Friends, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास चार factors of production होते हैं, land, labor, capital and entrepreneur. Entrepreneur ही एक ऐसा चीज है जहां पर entrepreneur efforts लेता है, risk लेता है, innovations करता है और उसके लिए उसको कुछ ना कुछ जो मिलता है वो है profit. मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो पूरा का पूरा बिजनेस संभालता है और उसके बदले में उसे दिया जाता है प्रॉफिट. तो यहाँ पर मीनिंग दिया है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू एंटरप्रेन्योर. जो एंटरप्रेन्योर को रिवॉर्ड दिया जाए, रिवॉर्ड मीन्स उसे कुछ ना कुछ दिया जा रहा है उसकी मेहनत के लिए. प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू एंटरप्रेन्योर फॉर इट्स रिस्क टेकिंग, क्योंकि वो बिजनेस में रिस्क ले रहा है इसलिए उसे प्रॉफिट दिया जा रहा है. फॉर इनोवेशन, मतलब वो कुछ ना कुछ नया इनोवेट कर रहा है, कुछ नई चीजें ला रहा है इसलिए उसे प्रॉफिट मिल रहा है. या फिर बिजनेस में हर छोटे बड़े डिसीजन अगर वो ले रहा है तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए क्योंकि उसकी मेहनत है उसके साथ, तो इसलिए उस एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है प्रॉफिट. आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहां पर सिक्स थ्योरीज कौन सी है. आइए देखते हैं हाउलर रिस्क बियरिंग थ्योरी क्या बताता है. हाउलर रिस्क बियरिंग थ्योरी इज मेड बाय F.B. हाउले और उन्होंने बताया है कि प्रॉफिट इज रिवॉर्डेड फॉर रिस्क. उनका कहना है किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो वो रिस्क बियर कर रहा है इसलिए प्रॉफिट मिल रहा है. हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लोअर विल बी द प्रॉफिट, ऐसा उनका मानना था. जितना ज्यादा रिस्क उठाएंगे उतना ज्यादा कंपनी में या बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता इसलिए कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया है इस थ्योरी को. और क्रिटिसिज्म में बताया गया है कि प्रॉफिट इज नॉट ओनली फॉर रिस्क बट अदर फैक्टर ऑल्सो. इट मीन्स कंपनी में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ रिस्क उठाने के लिए नहीं है वो, कभी कभी अदर फैक्टर के कारण भी हमें प्रॉफिट होता है, जैसे गुड मैनेजमेंट है, हमारा बिहेवियर अच्छा है, तो कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड प्लस हमारे बाहर के एनवायरमेंट से रिलेटेड भी प्रॉफिट होता है. लोगों की डिमांड ज्यादा है, ट्रेंड में चेंज आया है, इस कारण भी प्रॉफिट हो सकता है. बट इस थ्योरी में सिर्फ प्रॉफिट इसलिए बताया है क्योंकि एंटरप्रेन्योर ने रिस्क लिया है, जो कि कई तरीके से गलत भी है. सेकेंड एंड क्रिटिसाइज बता रहा है कि प्रॉफिट इज नॉट फॉर रिस्क बट फॉर रिड्यूसिंग रिस्क. कोई भी एंटरप्रेन्योर को इसलिए प्रॉफिट नहीं मिल रहा है कि वो रिस्क उठा रहा है, लेकिन वो रिस्क कम कर रहा है. इट मीन्स वो प्रॉफिट इसको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो बिजनेस के रिस्क कम कर रहा है. थर्ड क्रिटिसिज्म बताया गया है नॉट ऑलवेज हायर रिस्क हायर प्रॉफिट. जैसे कि ऊपर हमने बताया था थ्योरी में कि हायर द प्रॉफिट हायर द रिस्क, हर बार हमने हाई रिस्क लिया और हाई प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है. कई बार हाई प्रॉफिट के साथ साथ हमें लो प्रॉफिट भी मिलता है या कभी कभी हमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. और लास्ट क्रिटिसिज्म बताया है सम रिस्क भी कैन बी इंश्योर्ड, इट मीन इट कैन बी इंश्योर्ड बट सम रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड. कुछ रिस्क तो हम इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू इंश्योर करवा सकते हैं, लेकिन सभी रिस्क को इंश्योरेंस नहीं करवाया जा सकता है. आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्या बताती है. आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी है अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. दिस थ्योरी इज मेड बाय प्रोफेसर नाइट एंड प्रोफेसर नाइट ने बताया है कि प्रॉफिट इज ओनली रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी. उनका मानना है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट तब मिलना चाहिए अगर वो अनसर्टेनिटी बियर कर रहा है, क्योंकि जब हम देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, दैट इज इंश्योर्ड रिस्क एंड अनइंश्योर्ड रिस्क. कुछ रिस्क को तो हम कवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के थ्रू, लेकिन कुछ रिस्क हम कवर नहीं कर सकते. तो जो रिस्क हम कवर नहीं कर सकते हैं सिर्फ उसी के लिए ही प्रॉफिट जो दिया जाना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि जो रिस्क हम कवर कर रहे हैं उसका तो प्रीमियम अमाउंट हमें मिलेगा और उससे हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं. इसलिए प्रोफेसर नाइट का कहना है कि सिर्फ अनइंश्योर्ड रिस्क को ही के लिए ही प्रॉफिट मिलना चाहिए एंटरप्रेन्योर को. आइए देखते हैं कुछ लोगों ने अगेन इनको भी क्रिटिसाइज किया है कि ये थ्योरी में भी कुछ ना कुछ परेशानियां हैं. नो पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज टू एंटरप्रेन्योर, सिर्फ रिस्क लेने के लिए ही पेमेंट दिया जा रहा है, मतलब रिस्क उठाने के लिए ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जा रहा है, लेकिन बाकी सब काम भी है, बाकी सब सर्विसेज हैं जो एंटरप्रेन्योर देता है. एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग करता है, सब कुछ मैनेज करता है, उनके लिए उन्होंने कोई भी प्रॉफिट नहीं बताया है. सेकेंड क्रिटिसाइजम है अदर फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ नॉलेज स्किल्स अपॉर्चुनिटी इज नॉट टेकन इन टू कंसिडरेशन. यहाँ पर इस थ्योरी में प्रोफेसर नाइट ने बाकी फैक्टर की वजह से जो हमारा रिस्क है, इट मीन्स अगर लैक ऑफ नॉलेज है एंटरप्रेन्योर की
तो भी शायद बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या उसकी इतनी स्किल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो भी शायद एंटरप्रेन्योर को रिस्क उठाना पड़ सकता है, या उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है मार्केट में, तो भी रिस्क की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बाकी फैक्टर्स उन्होंने ध्यान में नहीं दिए हैं, सिर्फ उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि रिस्क दो पार्ट में डिवाइड किया है कि एक है इंश्योरेबल रिस्क, एक है अनइंश्योर्ड रिस्क। उन्होंने क्लियरली नहीं बताया है कि कौन सा रिस्क किस तरीके से हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्या है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट थ्योरी है, रैंक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। यहां पर यह थ्योरी दी गई है फ्रांसिस ए वॉल्कर द्वारा, और फ्रांसिस ए वॉल्कर ने बताया है प्रॉफिट आर द सेम जेन्युइन एज रेंट। मतलब यहां पर उन्होंने प्रॉफिट को एज अ रेंट की तरह तुलना किया है, जैसे कि हमारी रेंट बताता है, हमें रेंट मिलता है लैंड से, इन्होंने कहा कि प्रॉफिट भी मिलता है हमें एंटरप्रेन्योर से। लेकिन जैसे एक लैंड सुपीरियर रहता है, जितना ज्यादा लैंड सुपीरियर रहेगा उतना ज्यादा हमें रेंट मिलता है, उसी तरीके से जितना ज्यादा एक एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी ज्यादा रहेगी उतना ही ज्यादा हमें उसे प्रॉफिट मिलेगा। आइए देखते कुछ एजम्पशंस। प्रॉफिट इज रेंटल इन नेचर, सुपीरियर एंटरप्रेन्योर अर्न मोर प्रॉफिट ड्यू टू इट्स एबिलिटी। जितना ज्यादा एबिलिटी रहेगी एक एंटरप्रेन्योर की, जितनी ज्यादा स्किल रहेगी उतना ही ज्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएगा। नेक्स्ट एजम्पशन बताता है देयर इज मार्जिनल एंटरप्रेन्योर हु जस्ट रिसीव ओनली कॉस्ट। जैसे कि आपने पहले भी हमारे वीडियोज में देखा होगा, हमने आपको रेंट की थ्योरी समझाई थी, तो रेंट की थ्योरी में जैसे बताया गया है कि जितना ज्यादा हमारी एबिलिटी रहती है, जितना ज्यादा एक लैंड की एबिलिटी रहती है उतना ज्यादा वो रेंट देता है, वैसे ही जितना ज्यादा एक एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी रहेगी वो उतना ज्यादा प्रॉफिट देगा या उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन जो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर है वो सिर्फ कॉस्ट ही निकाल सकता है, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो ये सबसे लास्ट ग्रेड का रहता है एंटरप्रेन्योर, जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा, जितना उसने कॉस्ट लगाई है उतना ही निकाल पा रहा है। थर्ड एजम्पशन बताता है एज रेंट इज मेजर्ड फ्रॉम नॉन रेंट लैंड। कई जगह पर आपने देखा है कई लैंड ऐसे होते हैं जहां पे रेंट नहीं रिसीव्ड हो पाता क्योंकि वो कॉस्ट भी नहीं निकाल पाते हैं। सेम एज इट इज यहां पर कैलकुलेट किया गया है प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिटवीन सुपीरियर एंड मार्जिनल एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर जो सुपीरियर प्रॉफिट कमा रहा है और एक एंटरप्रेन्योर जो मार्जिनल प्रॉफिट कमा रहा है, उन दोनों का ही डिफरेंस यहां पर कैलकुलेट किया गया है इस रेंट थ्योरी में। लास्ट एजम्पशन बता रहा है रेंट इज द रिवॉर्ड ऑफ डिफरेंशियल बिजनेस एबिलिटी, सॉरी प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ डिफरेंशियल बिजनेस एबिलिटी। जितना ज्यादा एबिलिटी रहेगी एक बिजनेसमैन की या एंटरप्रेन्योर की उतना ही वो प्रॉफिट कमा सकता है, ऐसा एजम्पशन माना गया है इस रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में। आइए देखते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कुछ क्रिटिसिज्म्स ऑफ रेंट थ्योरी, रेंट प्रॉफिट थ्योरी। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज दैट इट ओनली फोकस ऑन द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड डज नॉट शो द नेचर ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ इसमें हमें थ्योरी में यही बताया गया है कि हम कैसे प्रॉफिट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं हमें प्रॉफिट कौन सा हो रहा है और किस प्रकार का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज दैट एज रेंट कैन नॉट बी जीरो बट प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव और जीरो। आप कभी भी देखेंगे हम अपना काम करें, प्रोडक्शन करें या ना करें, हमें रेंट तो पे करना ही पड़ता है, लेकिन हमने अगर सही तरीके से काम नहीं किया तो प्रॉफिट में और मे नॉट बी जीरो। मतलब अगर हमने प्रॉफिट अच्छे से कमाया, अगर हमने काम अच्छे से किया तो हमें प्रॉफिट मिलेगा पॉजिटिव में, अदरवाइज वो नेगेटिव भी हो सकता है या जीरो पे भी चल सकता है, लेकिन रेंट कभी भी जीरो नहीं होता। इन शॉर्ट पीरियड प्रॉफिट में नॉट ऑकर बट रेंट इज मस्ट। शॉर्ट पीरियड में हो सकता है आप प्रॉफिट न कमा सके, लेकिन कितने पीरियड के लिए भी आप मकान यूज कर रहे हैं या फर्म यूज कर रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, यू हैव टू पे रेंट। फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट ओनली मे नॉट अराइज ड्यू टू एबिलिटी। हमारा एजम्पशंस क्या बताते हैं कि प्रॉफिट इसलिए कमाया जा रहा है क्योंकि एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी है, लेकिन कई बार मार्केट पोजीशन या कंडीशन की वजह से भी एक फर्म प्रॉफिट कमा लेती है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जहां पर यह बताया गया है कि प्रॉफिट और रेंट एक जैसे नहीं है। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी हमारी प्रॉफिट की क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। इट इज गिवन बाय प्रोफेसर चैम्पमन
और उन्होंने बताया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी सिर्फ अंडर काम कर सकती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर. इट मीन्स इन्होंने बताया है कि अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द रिवॉर्ड इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल वर्थ ऑफ एम्प्लॉयर. इफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज हायर प्रॉफिट विल बी हायर एंड इफ इट इज लोअर प्रॉफिट विल बी लोअर. इट मीन्स अगर हम एक प्रोडक्शन करते हैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मीन्स हर एडिशनल प्रोडक्शन जो हम अपनी फॉर्म में कर रहे हैं. जब हम एक प्रोडक्शन यूनिट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 10 प्रॉफिट. अगर हम दो प्रोडक्शन करेंगे यूनिट का तो हमें मिलेगा 20 प्रॉफिट. इट मीन्स एडिशनल यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमें मिलेगा एडिशनल प्रॉफिट. तो अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. तो जितना ज्यादा हम एडिशनल प्रोडक्टिविटी निकालेंगे तो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे. लेकिन यहां पर क्रिटिसाइज किया गया है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो चार फैक्टर लगते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो ये जितने भी फैक्टर हैं, इट इज ज्वाइंट एफर्ट के द्वारा हम प्रोडक्टिविटी करते हैं. ये चारों फैक्टर लगकर प्रोडक्शन क्लियर करते हैं. प्रोडक्शन जो होता है वो चारों फैक्टर के द्वारा ही होता है. तो हम कैसे पता लगा सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर है उसको ही प्रॉफिट दिया जाए. जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो चारों में इक्वल डिवाइड होना चाहिए. मीन्स लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, इन कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. क्योंकि ये ज्वाइंटली एफर्ट प्रोड्यूस किया गया है नेट प्रोडक्शन, तो हमें पता ही नहीं रहता किसमें कितना हमें डिवाइड करना चाहिए. तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर थोड़ी ना ले सकता. तो ये क्रिटिसाइज किया गया है इस थ्योरी में. आइए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी क्या है. डायनेमिक थ्योरी एंड इट इज गिवन बाय J.B. क्लार्क. और इन्होंने बताया है कि प्रॉफिट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमी. इट मीन्स एज न्यू थिंग्स आर इनोवेटेड प्रॉफिट इज क्रिएटेड बट इट कैन नॉट बी फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब जैसे जैसे हमारी कंट्री में चेंजेस आएगा, जैसे जैसे कंट्री में एक्सपेक्टेड रहेगा कि अब चेंजेस आने वाला है, तो जब भी कोई एक फर्म चेंज लाएगी तो वो प्रॉफिट कमाएगी. लेकिन ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा क्योंकि बाकी भी फर्म उनको देखते देखते वो चेंजेस लाएगी. इसलिए जो पहली बार चेंजेस ला रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है उसे बोलते हैं हम डायनेमिक थ्योरी. लेकिन इस थ्योरी को भी प्रोफेसर नाइट ने क्रिटिसाइज किया है और बताया है नॉट एवरी चेंजेस क्रिएट प्रॉफिट. हर बार आप चेंजेस करें और आपको प्रॉफिट होगा ऐसा जरूरी नहीं है. कई चेंजेस हम करते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कमा पाते और लॉस हो जाता है बिजनेस में. सेकेंड क्रिटिसाइज इज दैट इट इज नॉट चेंज दैट क्रिएट प्रॉफिट बट इट इज एक्सपेक्टेड कंडीशन ऑफ मार्केट. मतलब हमने चेंज किया है इसलिए हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे. मार्केट में जो चेंजेस आने चाहिए और कंडीशन जो एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड की गई है कि मार्केट में ऐसा होना चाहिए, जब कोई भी फर्म वैसे एक्सपेक्टेड कंडीशन के पार पहुंच जाता है तो वो प्रॉफिट कमाता है. मतलब कस्टमर जैसे डिमांड कर रहा है अगर हम वैसा उनको देंगे तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज दैट प्रॉफिट इज अनप्रिडिक्टेबल. हमने प्रॉफिट कमाना है और हम प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, लेकिन कितना कमाएंगे और कितना कमा सकते हैं ये हमारा एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारा कन्फर्म नहीं रहता हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं. तो ये बताया गया था डायनेमिक थ्योरी में. एक लास्ट थ्योरी अभी भी हमारे पास है. आइए देखते हैं कौन सी थ्योरी है वो. और लास्ट थ्योरी इज मोनोपोली थ्योरी. एंड इन दिस थ्योरी यहाँ पे ये बताया गया है कि इन दिस थ्योरी प्रॉफिट इज अराइजेस ड्यू टू मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. दे आर द प्राइस टेकर. मोनोपोली मीन्स यहाँ पर एक सिंगल फर्म है जो सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है इस फर्म में वो कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. मतलब ये अपनी मर्जी के हिसाब से ही प्राइस मेकर है. वो चाहे तो जो भी प्राइस चाहे वो तय कर सकता है. जहां पर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर सिर्फ एक ही सिंगल सेलर है और वो सिंगल सेलर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो हम कह सकते हैं उसे कि ये वो प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है. और ये मोनोपोली थ्योरी के अंदर आता है. लेकिन यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है कि मोनोपोली जो है वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है जो इन सब थ्योरी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. तो कई जो हमारे ऑथर्स हैं या जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये ऐसा सोचा है कि मोनोपोली थ्योरी शुड बी डिफरेंट एंड इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर थ्योरीज.
तो अभी भी हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या मोनोपोली थ्योरी इन सिक्स प्रॉफिट थ्योरी के अंदर आना चाहिए या इट शुड बी ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट। तो ये है थी हमारी छह प्रॉफिट थ्योरीज। होप है फ्रेंड्स आपको हमारी प्रॉफिट थ्योरीज समझ में आई होंगी, इजी लगी होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें उस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।